पानी के ऊपर हाँ? so, मतलब, मतलब से नीचे ने जो भी देखा था वो कौन सा एंगल था हमारा वो देखने, नीचे से ऊपर देखने वाला था एंगल ऑफ एलिवेशन था अभी एंगल ऑफ डिप्रेशन जो ऑब्जर्वर है वो देख रहा है तो एक में कितना बनता है सिक्सटी डिग्री और दूसरे में थर्टी डिग्री बनता है तो क्या कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ सिप दोनों सिप के बीच का डिस्टेंस मान लिया हमारा प्लेन यहां पे उड़ रहा है बहुत अच्छे से करनी होती है अगर ड्राइंग में कुछ तो मिस्टेक इधर उधर की आना पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा तो ये बारह सौ मीटर हो गया और थोड़ा बड़ा मैंने इसलिए बनाया क्योंकि बारह सौ मीटर की हाइट है दिखना चाहिए थोड़ा बड़ा हाँ अब एक जो एंगल है वो है थर्टी डिग्री का पहले वाले का सिक्सटी डिग्री होगा और दूसरे वाले का थर्टी डिग्री होगा चलो मान लिया ये है सी और ये जो एंगल है हमारा वो हो जाएगा थर्टी डिग्री जो जितना दूर रहेगा ये हमारा कॉमन सेंस है है ना और जो दूसरे का जो एंगल बन रहा है बच्चा वो बन रहा है सिक्सटी डिग्री का यहाँ पे हमारा डी पॉइंट डी पे हमारा दूसरा सिप है और ये जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का है और कुछ दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है क्या करना है हमें सी डी फाइंड आउट करना है हमें क्या फाइंड आउट करना है यहां द डिस्टेंस बिटवीन टू सिप है ना क्या करेंगे अच्छा देखो पूरा सी बी फाइंड आउट कर लो और फिर बी डी फाइंड आउट कर लो ये सम हमने पहले भी बहुत बार किया इसी चैप्टर में है ना तो चलो फटाफट फट कर लेते हैं सो so नाउ अभी डायरेक्टली मैं कर देता हूं बिकॉज़ जनरली अभी हम लोग फाउंडेशन क्लास में हैं एंड वी विल हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एज वन मार्क्स क्वेश्चन ओनली है ना तो क्या होगा चलो अगर आपको स्टेप्स लिखने हैं तो आप अच्छे से इसको कॉपी कर सकते हो बुक से देखकर के क्या स्टेप कैसे होगा मैं डायरेक्टली सॉल्व करने जा रहा हूँ तो क्या करेंगे इसमें यहाँ देखो क्या क्या रेशियो आपको मिल रहा है यहाँ पे बेस है और परपेंडिकुलर है तो सीधा टैन थी तो चलता हूँ तो टैन थीटा इज इक्वल्स टू होता है कितना पी बाय देर फोर वी कैन से डेट टेन थर्टी डिग्री इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा पी परपेंडिकुलर है 1200 अपॉन कितना हो जाएगा सी बी सी बी है ना या सी बी तो सी बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इज़ इक्वल्स अपॉन टेन थर्टी डिग्री तो टेन थर्टी डिग्री आपको पता है क्या होता है टेन थर्टी डिग्री की वैल्यू होती है वन बाय रूट थ्री क्या हो जाएगा वन मिनट कहां चला गया या yes. ड्रेड रूट थ्री इज इट क्या हो जाएगा ट्वेल्व हंड्रेड रूट थ्री हो जाएगा चलो इसी तरह से दूसरा वाला फाइंड आउट कर लेते हैं है ना सो वी हैव इन ट्रायंगल कौन सा छोटे वाले ट्रायंगल में ए बी डी ए बी डी अगेन सीधा मैं अभी मैं लिख देता uh, तो टेन सिक्सटी डिग्री की जो वैल्यू हो जाती है बच्चे वो हो जाता है रूट थ्री रूट थ्री इज इक्वल्स टू बारह अपॉन बी डी और डी बी दोनों में से जो चाहिए वो लिख सकते हो तो बी डी इज इक्वल्स टू थर्टीन हंड्रेड बाई रूट थ्री हो जाएगा अब हमें क्या चाहिए सी डी चाहिए तो वी हैव सी डी इज इक्वल्स टू सी बी माइनस बी डी इज इट तो दोनों को माइनस करना है सी बी कितना आया है हमारा बारह सौ रूट थ्री माइनस थर्टीन हंड्रेड अपॉन रूट थ्री हाँ? तो क्या करेंगे पहले इसको सॉल्व करते हैं ना एक काम करते हैं एक काम करो यहाँ पे रूट थ्री ले लेते हैं तो रूट थ्री ले, ले लेंगे तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री तो हो जाएगा कितना ट्वेल्व हंड्रेड इंटू थ्री हो जाएगा ये वाला पार्ट है हाँ? ऐसे ही रखता हूँ एंड माइनस थर्टीन हंड्रेड ये हो जाएगा ना ये थर्टीन हंड्रेड किधर से लिख दिया मैंने ट्वेल्व हंड्रेड ही रहेगा बच्चा थर्टीन हंड्रेड क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कहीं है ही नहीं Hmm. तो ये भी ट्वेल्व हंड्रेड हो जाएगा ये भी ट्वेल्व हंड्रेड हो जाएगा so, अब क्या करोगे सो so, नाउ uh, वी हैव वर्ती छत्तीस सौ माइनस बारह सौ अपॉन रूट थ्री तो सी डी इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका कितना ट्वेंटी फोर हंड्रेड अपॉन रूट थ्री अगेन इसको रैशनलाइज कर लेंगे तो रूट थ्री अपॉन रूट थ्री सो वी विली फोर हंड्रेड इन टू रूट थ्री अपॉन थ्री चौबीस एट हंड्रेड रूट थ्री क्या हो जाएगा कितना हो जाएगा आंसर आपका एट हंड्रेड रूट थ्री रूट थ्री की वैल्यू लिख करके एट हंड्रेड से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा वरना आप इतना भी छोड़ सकते हो उसके लिए आपको जनरली रूट टू रूट थ्री रूट फाइव ये सबकी वैल्यू रूट सेवन इतना तक की वैल्यू आपको रूट ट्वेंटी तक में जो भी नंबर्स हैं जो इेशनल हैं उनकी वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेगी ओके चलो सो दिस वाज आवर सेकंड लास्ट क्वेश्चन सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी सॉल्विंग लास्ट क्वेश्चन फॉर यू थैंक यू सो मच